देखिए क्वेश्चन क्या, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो एंड अल्फा बाय टू कॉमा टू बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ आर। इस तरह के क्वेश्चन को आप मेथड या ऑप्शन दोनों से कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आप किस में जल्दी कर सकते हैं। मुझे लगता है इसको आप वैल्यू लेके ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। कैसे बताता हूं, ये इक्वेशन है, इसके रूट बेटा अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा बीटा है पी, अल्फा इंटू बीटा है क्यू। एंड सेकेंड इक्वेशन ऐसी है जो कि ऐसी दी है एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, इसके रूट से अल्फा बाय टू प्लस टू बीटा, दिस इज क्यू एंड अल्फा बीटा इसमें भी आर। अब इन दो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आर का रिजल्ट मिल जाएगा। अल्फा बीटा यहां से निकाल के यहां पुट कर देंगे, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस मैं आपको बता देता हूं, अगर मेथड से कर रहे होते तो इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, जो अल्फा बीटा मिलेगा यहां रख देंगे तो आर मिल जाएगा। अप्रोच नंबर वन। अप्रोच नंबर टू कि आप वैल्यू ले लें, जैसे आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो इसके रूट्स क्या हो गए, अल्फा हो गया टू और बीटा हो गया थ्री, राइट। अब आपको एक ऐसी इक्वेशन बतानी जिसके रूट अल्फा बाय टू और टू बीटा हो, तो अल्फा बाय टू मतलब टू इंटू टू कितना हो जाएगा वन और सिक्स, यानी अब ऐसी इक्वेशन जिसके रूट वन टू सिक्स हो तो क्या हो जाएगी, आप खुद बता सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, राइट। इसका मतलब हमारे पास आर आ गया, आर है सिक्स। अब जो ऑप्शन में आर सिक्स दे वो करेक्ट आंसर है। कैसे पता चलेगा, देखिए पी की वैल्यू है माइनस फाइव और क्यू की वैल्यू है, सॉरी पी की वैल्यू है फाइव और क्यू की वैल्यू है सेवन, बस ऑप्शन में रख दीजिए, जो भी सिक्स आंसर दे रहा होगा क्योंकि आर ये है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका हुआ, ये दूसरा तरीका हुआ। अब आप रखना चालू करिए, जैसे आपने ऑप्शन ए में रखा टू बाय नाइन, देखिए सबका कॉमन पार्ट है तो टू बाय नाइन की चिंता नहीं करनी है। अब रहा सवाल जैसे p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू तो ये मिलेगा बेटा माइनस टू और टू क्यू तो निगेटिव, तो आंसर आएगा नहीं, तो ए छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप जैसे बी पर आए तो क्यू माइनस पी, तो सेवन माइनस फाइव हो गया टू इंटू बेटा ये कितना हो जाएगा टू क्यू, फोर्टीन माइनस फाइव नाइन, ठीक है, और ये टू बाय नाइन तो ये आना चाहिए था सिक्सटीन, ये फोर, ये भी नहीं। देखो आप ऐसे ऑप्शन कट करते जा रहे हैं। अब ऐसे ही आप इसको देखिए, जैसे ये वाला ऑप्शन है इसको देखिए टू पी माइनस क्यू, ये देख लेते हैं क्योंकि इसमें तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसको देखो क्यू माइनस टू पी करोगे तो निगेटिव हो जाएगा ना, इसको देखो टू बाय नाइन टू इंटू पी तो टेन माइनस क्यू ये हो गया थ्री, टू क्यू फोर्टीन माइनस फाइव तो इंटू नाइन, ये देखिए नाइन से नाइन टू थ्री जा सिक्स, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी अब आपके पास दो तरीके थे, या तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा यहां रख देते, या जो मैंने आपको एक तरीका बताया कि आपने एक इक्वेशन कंसीडर की, समझिएगा फिर से, इसके रूट टू और थ्री है, तो एक ऐसी इक्वेशन क्रिएट करना जिसका रूट अल्फा बाय टू टू बीटा हो, तो टू बाय टू वन और सिक्स, तो ये इक्वेशन बन गई, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।